नमस्कार दोस्तों, आज हम मना रहे हैं यहाँ पे जन्माष्टमी। और अभी तो जो है थोड़ा बारिश भी आ गई थी तो थोड़ा चिंतित भी हो गए थे, लेकिन अभी जो है बहुत बढ़िया खुशनुमा मौसम हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और मैं आपको ले जाता हूँ पंडाल की तरफ कि क्या सजावट है, किस तरह से है। तो अभी लोग तो नहीं पहुँचे, आस्ते आस्ते लोग जुड़ते जाएंगे। तो फिलहाल जो है मैं आपको जय माता की बोलो नमस्ते जी, नमस्ते। एक ग्रुप की फोटो लूंगा सबके इकट्ठे, ठीक है। हाँ, तो ये बैच मेरे पे भी लग गया इधर, और ये जो है कमेटी के सीनियर मेंबर हैं जो कि मुझे बैच पहना रहे हैं, तो बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फोटो जो है पूरे ग्रुप की भी हम लेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरे पंडाल की झांकी कि किस तरह से जो है सजावट की गई, और सारा प्रोग्राम जो इन महिलाओं के सिर पे है जिन्होंने इस कदम को उठाया, जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, वो इन्होंने करके दिखाया है। तो अभी मैं आपका परिचय भी इन लोगों से कराऊंगा। इधर जो है खूबसूरत सा जो है मंदिर सजाया गया है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार और अच्छी अच्छी। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो है कान्हा जी विराजमान है, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार। और यहाँ पे होगी, हाँ एक मिनट बेटा, यहाँ पे होंगी गजब गजब परफॉर्मेंस, बच्चों की जो है परफॉर्मेंस दिखाई जाएंगी। तो ये देखिए जो बारिश हुई थी यहाँ, देखिए पानी इकट्ठा हो गया था, तो बीच में जो है स्पीकर वगैरह सब बंद कर दिए गए थे, थोड़ी बारिश से दिक्कत हो गई थी, है ना। अभी तो ठीक है मौसम, बहुत बढ़िया। आप पंडित जी और बहुत अच्छा चले गए। तो इधर हो रहे हैं बच्चे तैयार, और फर्स्ट झांकी इन्हीं के हैं। और जो हमारे कोरियोग्राफर हैं सामने मुकेश कुमार जी, पूरी मेहनत इनकी लग रही है, और इस टाइम काफी बिजी भी हैं, तो इनके भी काफी झांकियां होंगी। तो मैं अगर सर टाइम हो तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं आपसे, 2 मिनट। तो सर आपके प्रोग्राम रेडी हो चुके हैं? हाँ बस प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड है, तो हमारे कोरियोग्राफर हैं और बहुत अहम रोल निभाते हैं हर टाइम हमारे, जो भी यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है कई सालों से निभा रहे हैं। तो सर आज की झांकियों में क्या स्पेशल है जो कि मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑडियंस को, तो वो चीज कुछ हम जानना चाहेंगे। जो आजकल के हमारे जो सनातन समाज में जो नई पीढ़ी है, जो हमारे एक राधा कृष्णा के एक्ट को जो लोग जो है ना जान से मान लिए, आज हम वो दिखाएंगे जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है। हम अपने रंगमंच के द्वारा वो चीज हम लोगों में जो है ना जन जागृति लाने के कोशिश, एक छोटी सी हमारी पहल होने का मतलब है, जनता को जागरूक करने का अहम रोल, और कई एक्टिविटीज में रोल करते हैं भाई साहब, सोशल एक्टिविटी, चाहे वो जगराता हो, चाहे जन्माष्टमी हो, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, तो उसमें हर एक में आपका जो है बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। और नाम क्या है आपकी टीम? मेरा टीम का नाम है सरगम म्यूजिकल एंड नाट्य कला परिषद। मेरा मोबाइल नंबर है 9780922970। इस पे मैं उपलब्ध रहता हूँ, किसी भी तरह के सुंदरकांड हो, अष्टजाम हो, भगवती जागरण हो, शिव जागरण हो, राम विवाह हो जी, रुद्राभिषेक, हर तरह के कार्यक्रम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना कीमती समय दिया, क्योंकि इस टाइम पूरे बिजी हैं भाई साहब, और अब बीच में हम करते रहेंगे बात। और यहाँ देखे बच्चों को भी सजा रहे हैं, अपने भी रोल है, और इधर देखे कुछ बच्चे इधर तैयार भी हो रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं चलता हूँ फिलहाल नीचे, और आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे झांकियाँ भी। तो बेटा आपका कौन सा रोल है इस टाइम पे? मेरा राधा का रोल। और आपका? मेरा मनमोहिनी का रोल। तो दोनों का एक ही झांकी में हो दोनों? नहीं नहीं, अलग अलग। अच्छा, तो फर्स्ट झांकी आप ही लोगों की है क्या? अच्छा ठीक है। और ये हमारे जो हैं बेटे लोग, जिनका कि पूरा अहम रोल शुरू से जो है लगे हुए हैं, जो कि पर्दे के पीछे के किरदार होते हैं, और सजाने के लिए पंडाल को हर एक चीज को इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो धन्यवाद इन बच्चों का भी। तो इधर खड़ी है पूरी मंडली जिनके बलबूते पे ये आज का प्रोग्राम हमको देखने को मिल रहा है, इनकी अथक प्रयास मेहनत से जो है
हमको आज यहाँ पे बहुत प्रकार की झांकियां देखने को मिलेंगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ये प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? 8 बजे। थोड़ा जोर से बोलना ताकि लोगों तक, हाँ 8 बजे होगा और 12 बजे तक जो है कृष्ण जन्म तक ये प्रोग्राम चलेगा। और आपकी आपकी मंडली का नाम क्या है इसका? बेंगना। है जी, बेंगना। जरा जोर से बोल, बेंगना महिला ग्रुप है ये। तो मतलब जो है काफी सालों से कर रहे हैं और हर साल जो है अपने को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। बहुत मेहनत, रात दिन की मेहनत इन लोगों की, और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और कल क्या लंगर की भी व्यवस्था है क्या? हाँ जी सर। तो लंगर कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा ये? 1 बजे सर जी। तो 1 बजे कल यहाँ पे लंगर है, और हर साल की तरह इस बार भी लंगर देने की भी व्यवस्था की गई है। तो देखो जो बड़े बड़े जो हैं हम लोग नहीं कर पाते, वो काम इन्होंने करके दिखाया। तो इनसे हमें भी कुछ सीख मिलती है कि इनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो चलते हैं आगे झांकियां और स्टेज की ओर। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया गया है। तो आगे का पार्ट देखना जिसमें होंगी झांकियां बहुत सुंदर सुंदर, और मेरी एंकरिंग। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैडम नहीं दिख रही हैं, तो मैं कहीं दूसरी जगह जन्माष्टमी मनाने गया हूँ और